ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की लिखी हुई बहुत ही सुंदर पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। जॉन कीट्स कौन है ज़रा उसके बारे में जान लीजिए। लोग उल्टा सीधा भ्रमित कर रहे हैं, मैंने देखा है कुछ का कुछ बता रहे हैं जॉन कीट्स के बारे में कि रोमांटिक पोइट है, रोमांस की पोएम लिखता है, पता भी नहीं है कि रोमांस होता क्या है। जॉन कीट्स वॉज ए रोमांटिक पोइट। रोमांटिक पोइट क्या है? रोमांटिसिज्म एक एज है पोइट्री के अंदर जो टिंटन एबे नामक पोएम से 1798 में शुरू हुई थी। रोमांटिसिज्म का मतलब है जब पोइट्स ने अपने थॉट्स को बिना किसी रोक टोक के पोइटिकल डिवाइसेस, मीटर वीटर का ध्यान ना रखते हुए, रूल रेगुलेशन का ध्यान ना रखते हुए एक आम आदमी की भाषा में पोएम लिखी गई है द टिंटन एबे बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है बहुत मेन फिगर है रोमांटिक एज के और उन्होंने आम आदमी के सब्जेक्ट पे लिखा। पहले राजा महाराजाओं पे पोएम लिखी जाती थी। तो ये है रोमांटिसिज्म और ये है रोमांटिक पोएम पोइट्स। रोमांटिक का मतलब रोमांस नहीं है। यहाँ ये गलत फहमियाँ फैला रहे हैं लोग जो हैं, मैंने कईयों की वीडियो देखी हैं, तो ये प्लीज़ आप बच्चे ध्यान देंगे कि व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म, आप स्टडी कर लेना, इसका मीनिंग देख लेना। जॉन कीट्स वॉज ए रोमांटिक पोइट। रोमांटिक पोइट मीन्स ए पोइट बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक एज विच स्टार्टेड विद 1798 विद द पोएम टिंटन एबे कंपोज बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। लूसी ग्रे बहुत सारी पोएम है उनकी, तो रोमांटिक एज में पैदा हुए पोइट हैं ये। हु डाइड ऑफ टीबी, जो टीबी के कारण जिनकी मृत्यु हो गई एट ए वेरी यंग एज ऑफ 26 की एज में ये दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन 26 में ही बहुत कुछ करके गए हैं और टॉप 10 पोइट्स में इनका नाम आता है बच्चों इंग्लिश लिटरेचर के, बहुत ही अच्छे पोइट हैं। ही हैज़ कंपोज सम इमोर्टल पोएम्स, इन्होंने कुछ अमर पोएम जो इनके मरने के बाद भी अमर हैं, एंड मैनी इमोर्टल लाइन्स, बहुत सी अमर लाइनें हैं इनकी इन हिज पोइटिक करियर, इनके पोइटिक करियर की। लेट्स लर्न अबाउट द गिवन पोएम। आओ अब कीट्स का तो ठीक है, लेकिन हम दी हुई पोएम के बारे में, क्योंकि पोइट्स के बारे में हमारे से कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए जो पोइट्स के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं वो आपका टाइम और आपको मिसगाइड कर रहे हैं। पोइट्स का कोई लेना देना नहीं है बारहवीं की जो ये पोइट्री सेक्शन आता है, सिर्फ पोएम का स्टेंजा आता है या पोएम के बारे में आता है। पोइट्स के बारे में आज तक कभी कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछा ही नहीं गया, सो आप पोइट्स को भूलिए। लेट्स लर्न अबाउट द गिवन पोएम, दी हुई पोएम को जरा स्टडी करें। ब्यूटीफुल थिंग्स ऑलवेज गिव परपेचुअल इटर्नल और एवरग्रीन, सुंदर चीज़ें हमेशा रहने वाली खुशी देती है, परमानेंट खुशी देती हैं। हैंस इट इज़ वेल सेड बाई कीट्स, इसलिए कीट्स जो हमारे पोइट हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा है दैट द थिंग ऑफ ब्यूटी, एक अच्छी चीज़, सुंदर चीज़ इज ए जॉय फॉर एवर, एक हमेशा खुशी देने वाली चीज़ होती है, जैसे हंसते हुए बच्चे चाहे किसी के भी हों, चाहे किसी जानवर के भी बच्चे हों, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं, आपने देखा होगा। ब्यूटी इंक्रीजेस विद द पासेस ऑफ टाइम, ब्यूटी जो है समय के बीतने के साथ साथ ओब्लिवियन में नहीं जाती, ओब्लिवियन मीन्स भुलाई नहीं जाती बल्कि वो बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल दी ताजमहल, ताजमहल 300 साल पहले बनाया गया था, आज भी सुंदर लगता है, दुनिया देखने आती है। द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के दृश्य। When we have beautiful things in our mind, फिर से poem पे आइए, जब हमारे दिमाग में beautiful चीज़ें चल रही होती हैं, we sleep comfortably, हम चैन की नींद सोते हैं, and have good dreams, और अच्छे सपने देखते हैं सोते सोते नींद में भी। owing to होता है बच्चों के कारण, due to भी होता है, लेकिन जब starting में लगाते हैं तो owing to लगाते हैं, due to नहीं लगाते। Owing to our good imagination, हमारी अच्छी कल्पनाओं के कारण, imagination कल्पना, every coming day, हर आने वाला दिन helps us, हमारी मदद करता है make a chain of beauty, कि हमारी जो series है, श्रृंखला है, chain है beauty की, वो बढ़ती चली जाती है। And if there is any sorrow, और यदि कोई दुख भी हो हमारे जीवन में, होता है दुख भी सबके जीवन में, जैसे सुबह होती है तो शाम होती है, दिन होता है तो रात होती है, खुशी होती है तो दुख भी होता है, फूल होता है तो उसके साथ कांटे भी होते हैं। अगर कुछ दुख भी है ड्यू टू सम ड्रेथ और वांट, किसी कमी के कारण, शॉर्टेज के कारण, वी डोंट माइंड इट, तो हम उसको ज़्यादा माइंड नहीं करते। मान लीजिए आपकी कोई साइकिल ले जाए और स्कूटी दे जाए उसके बदले में, तो आप साइकिल के जाने का गम नहीं करोगे बल्कि स्कूटी के आने की खुशी मनाओगे। आवर ब्यूटीफुल इमेजिनेशन, हमारी सोच अगर अच्छी है, रिमूव द कवर, कवर का मतलब कवर, यस, पाल, पाल का मतलब होता है कफन, कॉफिन ऑफ डार्कनेस, अंधकार के कवर को रिमूव करती है, एंड शोज ब्राइटनेस, और हमें उजाले का उजाला दिखाती है।
देयर आर मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स, कवि ने उदाहरण से समझाया है, एग्जाम्पलीफाई किया है, इलस्ट्रेट किया है, उदाहरण से ही समझाने को कहते हैं इलस्ट्रेट, ILLUSTRATE, कवि ने उदाहरण से समझाया है, सच एज बहुत सी सुंदर चीज़ें हैं, दी सन, नॉट द सन, दी सन, दी मून, दी ओल्ड एंड न्यू ट्रीज, बड़े या नए पेड़, ब्लूमिंग डैफोडिल्स, खिलते हुए नरगिस के फूल, ग्रीन ग्रास, हरी घास, फ्लोइंग बहता हुआ, स्वच्छ क्रिस्टल क्लियर होता है, बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद, माउंटेन स्ट्रीम, पहाड़ों से गिरने वाला झरना, इत्यादि इत्यादि, हर चीज़ सुंदर है प्रकृति ने जो बनाई है। द ओल्ड एंड माइटी डेड, कुछ पुराने पावरफुल लोग थे, माइटी होता पावरफुल लोग, जो अब मर चुके, जैसे अशोक द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, आर ब्यूटीफुल, आज हम उनके बारे में सुनते हैं, इतना बड़ा साम्राज्य था, इतनी बड़ी सेना थी, इतने बड़े बड़े योद्धा थे, तो हमें अच्छा लगता है, जो सूरवीर है, जैसे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, बहुत अच्छे सूरवीर थे, टीपू सुल्तान, ऑल द लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड, हर्ड हियर्ड नहीं होता, हर्ड, वो सब सुंदर कहानियाँ जो हमने सुनी है अपने मम्मी पापा से, गुरुजनों से, या किसी बड़े बुजुर्गों से, और यह हमने खुद पढ़ी हैं, आर ब्यूटीफुल, वो अच्छी लगती है, उनका गुड मोरल होता है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस दिस दिस, हैंस ब्यूटीफुल थिंग्स आर जॉयफुल, हैंस मीन्स देयर फोर, सो इसीलिए सुंदर चीज़ें फुल ऑफ जॉय होती है, जॉयफुल मीन्स फुल ऑफ जॉय होती हैं, एंड इमोर्टल और अमर होती हैं, मोर्टल होता है नश्वर और इमोर्टल होता है अमर, हमेशा रहने वाली, एवरग्रीन भी कह सकते हैं, इटर्नल भी कह सकते हैं, इमोर्टल मतलब एवरग्रीन, इटर्नल, ETERANAL, ETER, इटर्नल, NAL, द वर्ल्ड मूव्स अराउंड ब्यूटी, जिंदगी में हमारी एक सर्च जो है वो ब्यूटी के पीछे, लाइफ इज ए सर्च फॉर ब्यूटी, मोर ब्यूटी, जैसे हमारा पुराना घर है, हम उसको रेनोवेट करते हैं या रीपेंट कराते हैं, क्योंकि वो ब्यूटीफुल लगेगा, अवर सराउंडिंग्स, हमारे जो आसपास का जो माहौल है, अबाउंड मीन्स भरा हुआ है, फुल ऑफ, इज फुल ऑफ, अबाउंड का मतलब हमारे आसपास का जो एरियाज है आर फुल ऑफ ब्यूटी, अबाउंड का मतलब वर्ब है ये, अबाउंड का मतलब भरपूर मात्रा में होना, वट वी नीड इज, जो हमें ज़रूरत है वो ये है, टू सी हेवनली ब्यूटी, हेवनली होता है डिवाइन, ईश्वर की दी हुई, नेचर की दी हुई, नेचुरल भी कह सकते थे हम यहाँ पे, हेवनली की जगह नेचुरल, और तीसरा वर्ड DEVINE, डिवाइन ब्यूटी, इन ऑल बिग एंड स्मॉल थिंग्स, चाहे चीज़ छोटी हो चाहे चीज़ बड़ी हो, छोटी चिड़िया भी उतनी अच्छी लगती है जितना बड़ा बाज लगता है, छोटी मछली स्टार फिश भी इतनी अच्छी लगती है जितनी वेल लगती है, चाहे चीज़ बड़ी हो या छोटी हो, क्रिएटेड अराउंड अस बाई नेचर और गॉड, चाहे वो हमारे आसपास नेचर ने बनाई है चाहे गॉड ने बनाई है, तो सी ब्यूटी, लव ब्यूटी, लाइक beauty, share beauty and share my video also. It is a beautiful video, children. Thank you.